भारत पर मुस्लिम आक्रांता लगातार आक्रमण करते रहे, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि भारत की पहली हार भारत के ही अंतर कलह की वजह से हुई थी। ईरान का मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता माना जाता है। कासिम अरबी था और खिलाफत का सिपे सालार था। मोहम्मद बिन कासिम ने ईस्वी सन 712 में भारत पर आक्रमण किया, तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी ऐसा माना जाता है। कासिम ने सिंध के अंतिम हिंदू राजा राजा दाहिर सेन को हराया था ऐसा इतिहास है। अरबों ने पहले भी सिंध पर हमले किए थे लेकिन सफल नहीं हुए थे। राजा दाहिर के शासन में कासिम सफल हुआ क्योंकि बौद्ध धर्मियों ने दाहिर से गद्दारी की थी और मुसलमान आक्रांता को मदद की। राजा दाहिर सी से पहले उनका भाई चंद्रसेन राजा था। चंद्रसेन बौद्ध मत के समर्थक थे, दाहिर हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। इस बात से नाराज बौद्ध धर्मियों ने नीरोनकोट और सिविस्तान में कासिम का स्वागत किया और मदद भी की।